शेक्सपियर न्यूज के नच का देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। आदि पुरुष को लेकर विवाद के बीच एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि कुछ लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है और पैसे लेकर एजेंडा आधारित फिल्में भी बनाई जा रही है। उनके राजनीतिक गुरु उन्हें देने से पहले सेंसर बोर्ड प्रमाण पत्र, उनका राजनीतिक चरित्र प्रमाण पत्र की जाँच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, क्या सेंसर बोर्ड बन गया है धृतराष्ट्र, महाभारत के अंधे राजा। दलित शख्स के केस दर्ज किए जाने के बाद आरोप लगाया गया कि उसे और उसके गुप्तांग को उच्च जाति के पुरुषों द्वारा पीटा गया है और वजह ये बताई गई है उसके अपने जमीन पर उसने पेड़ काटा था। ये वाकया है उत्तर प्रदेश के ईटा का। पीड़िता ने दावा भी किया है कि आरोपी ने अपनी गर्भवती पत्नी पर भी हमला किया है। पुलिस ने कहा कि व्यक्ति के शरीर पर घाव है और निजी हिस्से पर भी त्वचा पर गहरे घाव है। कुछ महीनों पहले विधानसभा चुनाव में राजस्थान आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, नौकरी, स्कूल और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाया जाएगा अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने कहा, मैं यहां एक के साथ आया हूं नया राजस्थान बनाने का सपना लेकर। कांग्रेस यहां 50 साल और बीजेपी ने 18 साल शासन किया है, लेकिन उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा, मौजूदा महीने के बिजली के बिल भारी थे क्योंकि उन्होंने पिछले दो महीनों के बकाया को दर्शाया है। अगले महीने से बिल कम दिखेंगे, आगे के रूप में भी वो सिर्फ पिछले को प्रतिबिंबित करेंगे महीने की खपत लेकर। उन्होंने कहा, उन्होंने आगे कहा कि उस ट्रेड यूनियन से बात करेंगे जिसके पास से बिजली की बड़ी दरों को लेकर बंद का आह्वान किया गया। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की, उनके बाद आदि पुरुष लेखक मनोज मुंतशिर जान का खतरा बताकर सुरक्षा कवच की मांग के बाद। मुंतशिर के ऐलान के एक दिन बाद ये बात सामने आई है कि फिल्म के कुछ विवादित डायलॉग्स दर्शकों की भावनाओं को आहत करने वाले हैं, जिनको संशोधित किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मुंतशिर और निर्देशक ओम राउत के पुतलों को जलाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई। विक्रम मस्तल, जिन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई थी रामायण 2008 में, उन्होंने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं, आदि पुरुष में प्रयुक्त भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मुझे बस चाहिए ये जानना कि क्या निर्माता संदेश देना चाहते हैं भाषा के साथ, कि क्या हमारे पास इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। मंदिर में हनुमान जी की पूजा करने के लिए अगर उनके पास था वास्तव में रामायण में क्या ऐसा था, इसका जाहिर है कि आपका लक्ष्य वित्तीय लाभ है, मस्तल ने साझा किया। उन्होंने आगे कहा कि मैं ओम के खिलाफ हूँ, राउत और लेखक के खिलाफ हूँ। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी, अडानी टिकटिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण कर रहा है। ट्रेन मैन ने ट्वीट करके कहा, पहले मुकाबला करें IRCTC, फिर टेक ओवर करें। IRCTC ने जवाब दिया, ये एक भ्रामक बयान है। ट्रेन मैन है कि 32 अधिकृत B2C भागीदारों में से एक IRCTC, हिस्सेदारी बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। इसने आगे कहा, ये केवल पूरक होगा, IRCTC के लिए कोई खतरा या चुनौती नहीं है IRCTC। पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू के बयान पर प्रतिक्रिया, नेहरू मेमोरियल से नाम हटाया जा रहा है, संग्रहालय और पुस्तकालय। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी डरे हुए तानाशाह है। उसने आगे कहा, आप इतिहास को बदल नहीं सकते और एक नया बना नहीं सकते। PM मोदी ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा व्हाट्सएप भारत में विश्वविद्यालय, उन्होंने फेक न्यूज की भी फैक्ट्री बनाई है भारत में। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने सोमवार को PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की है मणिपुर हिंसा पर और कहा कि अगर PM है विश्वगुरु और उनके भक्त का दावा है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रोक सकते हैं, तो क्यों नहीं वो मणिपुर को संभालने में सक्षम हैं, परिस्थिति को संभाल नहीं रहे हैं। मणिपुर के लोग गुस्से में हैं और PM के मन की बात के दौरान उन्होंने अपने रेडियो तोड़ दिए हैं, राउत ने दावा किया। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार जो अपनी महत्वाकांक्षी अन्नभाग्य योजना के लिए चावल की खरीद के लिए संघर्ष कर रही है, उनको सोमवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा आवश्यक मात्रा में चावल की आपूर्ति के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत होने के बाद उम्मीद की किरण मिली है।
शीघ्र ही संपत्तियों का मार्गदर्शन मूल्य संशोधित किया जाएगा। बैंगलोर सरकार शीघ्र ही संपत्तियों के मार्गदर्शन मूल्य को संशोधित करने के लिए तैयार है। स्टैंप और पंजीकरण विभाग ने संपत्ति के मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन शुरू कर दिया है और नए मार्गदर्शन मूल्यों का मसौदा तैयार करेगा। सेडम में 33 छात्र बीमार हुए। कलबुर्गी जिले के सेडम तालुक के कोडला गांव में सोमवार को दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन के सेवन से कित्तूर रानी चिन्नम्मा स्कूल की 33 छात्राएं बीमार हो गई। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका।